गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल एंथ्रोपोलॉजी क्लब. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस लेक्चर विल बी ऑन सिलेबस एंड ऑल्सो द फर्स्ट टॉपिक 1.1 वेयर वी वुड बी डिस्कसिंग मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो आज के डिस्कशन में हम सिलेबस को समझेंगे और 1.1 जो हमारा पहला टॉपिक है उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे. तो आइए देखते हैं हमारा सिलेबस. मैंने पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि क्यों एंथ्रोपोलॉजी हमें लेना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और ये कैसे हमें हेल्प करेगा यूपीएससी जर्नी में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी. प्लीज़ उसको इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी की क्या है, इसको आपको कैसे समझना है, क्या इसके बेसिक ओरिएंटेशन है, आउटकम क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरकनेक्टेड कैसे है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले जो टिप मैं आप लोगों को दूंगी वो ये है दैट टेक द सिलेबस. ओके, सो कॉपी, सिलेबस की कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए एंड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. ओके, इससे करने से होता क्या है, जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं, उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं, आप टॉपिक से रूबरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई नो, ये टॉपिक यहाँ का है, इस पर मुझे ऐसे डिस्कशन करना है, तो आप उसको बेटर समझ सकते हैं और बेटर उसको पढ़ सकते हैं. सो यू नीड टू हैव ओवरऑल व्यू पॉइंट ऑफ द टॉपिक. हर एक टॉपिक के ऊपर आप चाहो तो उसके ऊपर 150 वर्ड्स के कुछ आप अपने नोट्स रेडी करो.